विधानसभा की विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न सरकारी महकमों से जुड़े सवालों पर चर्चा हुई। सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार के कुछ मंत्री सदन में घिरते हुए भी नजर आए। क्या कुछ खास रहा प्रश्नकाल में, जरा देखिए। विधानसभा में सवालों के जवाब में राज्य सरकार के कुछ मंत्री सदन में घिरते हुए नजर आए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में लगने वाले नलकूप और हैंडपंपों को लेकर चर्चा हुई। अभिनीश महेशी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि 24 फरवरी 2021 को पेश बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 हैंडपंप और 10 नलकूप लगाने की घोषणा की गई थी। अब तक 323 नलकूप जल योजना के अंतर्गत लगाए जा चुके हैं। इस पर अभिनीश महर्षि ने कहा कि घोषणा के अनुरूप 200 विधानसभा क्षेत्रों में 2000 नलकूप लगने थे, लेकिन इनमें से 323 ही लगाए गए, जबकि 8000 हैंडपंपों का कोई विवरण नहीं दिया गया। माननीय सदस्यों के माध्यम से पेयजल समस्या संबंधी प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। आम जन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 40 हैंडपंप एवं 10 ट्यूबवेल तक लगवाए जाने की घोषणा करता हूँ। उधर आसन से स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि घोषणा 2021-2022 की है और स्वीकृति मार्च 2022 में दी जा रही है। ऐसे में गर्मी में लोगों को राहत देने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा। उन्होंने सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि सही समय पर स्वीकृति जारी हो और ये सुनिश्चित किया जाए उसी सत्र में घोषणा का लाभ मिले जिस सत्र में घोषणा हुई है। 21-22 के हैंडपंप और ट्यूबवेल खुदने थे और सैंक्शन निकाल रहे हैं 3 मार्च में, तो जो पर्पज इसका था कि गर्मी में 21-22 में लोगों को रिलीफ मिले, वो रिलीफ का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो हम वित्तीय स्वीकृति दें, एश्योर्ड करें कि उस गर्मी में उसका रिलीफ लोगों को लाभ मिले। उधर विधायक ललित कुमार ओसवाल ने परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र दोला से पूछा कि रोडवेज का उद्देश्य आय बढ़ाना है या जनता को सुविधा देना, ऐसा क्यों है कि 2018 के पहले संसाधन उपलब्ध थे और उसके बाद संसाधन सीमित हो गए। इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि आपके क्षेत्र में 4 बसें बंद की गई हैं, उनमें से 42 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आ रहा है, जबकि अधिकतम आय हुई है 14 रुपए से लेकर 24 रुपए तक। हम कब तक इतने घाटे में बसें चला सकते हैं? आखिर पैसा तो उसमें पब्लिक का ही लगा है, लिहाजा आय भी हमें देखनी पड़ेगी। आपके क्षेत्र में 4 बसें बंद की गई हैं और उनमें खर्चा आ रहा है 42 रुपये प्रति किलोमीटर और अधिकतम आय आई है 14 रुपये से लेके 24 रुपये तक। ये निश्चित रूप से हम कब तक इतने घाटे में उसको चला सकते हैं? आखिर पैसा तो पब्लिक ही है, उसमें स्टेट एक्सचेकर में जो पैसा आता है वो आम नागरिक का पैसा आता है, तो उसमें कुछ आय भी देखनी पड़ती है। वहीं परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए आवाप्त भूमि के मुआवजे से जुड़े सवाल पर मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय सदन में घिरे। मंत्री ने कहा कि करीब 23,000 किसानों की 7,722 हेक्टेयर भूमि आवाप्त की गई है। इस पर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि नियम तो लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अवार्ड पारित होने के बाद किसानों को मुआवजा मिले, इसका ध्यान रखा जाए। फर्स्ट इंडिया के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।